मॉर्निंग एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज हबीबा मुजफ्फर एंड इट्स द डे 2 ऑफ द चैलेंज। मैं समझ सकती हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं, दोबारा से वही शक्ल बिल्कुल लग रही है, कपड़े चेंज वगैरह, उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं एंड देन देखते हैं हम दिन में और क्या क्या करेंगे। अब तो मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो आई फील लाइक कि मैं वक्त के साथ साथ सीखूंगी कि कैसे व्लॉग को अच्छा किया जाता है, कैसे मतलब मजेदार बनाया जाता है। आई डोंट नो, बिकॉज ना तो मेरे खानदान में कोई ब्लॉगर है और ना तो मेरे घर में कोई ब्लॉगर है जिसको इतना पता होगा, जो एडिटिंग वगैरह जो कुछ भी सीखा है वो मैंने खुद सीखा है। तो वी विल गेट बेटर विद टाइम, टाइम तो सब कुछ ठीक कर देता है, ठीक है। तो लेट्स गो। मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं तो अब हम इनको पकड़ते हैं। देखो इस पे शेर भी बना हुआ है। जेल वगैरह कटते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उठ खाएंगे। यस, दिस ड्रेस लुक्स गुड। ठीक है, यहाँ पे लाइट नहीं है तो इस चीज को आप लोग इग्नोर करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो। पराठा तो बनाते हैं और साथ में अंडा। Two hours later. मैंने मम्मी को कह दिया था कि मुझे बनाते, उन्होंने मुझे कहा था कि ना पहले मैं थोड़ा सा काम कर लूं, मतलब तो उन्हें दो तीन काम थे तो वो कर ले, लेकिन अभी तक मम्मा बना के नहीं दे रही। क्या मतलब मैं एग्जिस्ट नहीं करती। फट गया वो तो आप आपकी वजह से फटा है। कहीं से मोटा हो जाए, कहीं से कुछ हो जाए, जीव पर मुझे खाना भी पड़ता है। मेरा नाश्ता बिल्कुल तैयार है और फाइनली अब मैं इसको खा सकती हूँ। मुझे ना नाश्ता करना बहुत पसंद है पूरे दिन में ना, मैं दोपहर का खाना और नाश्ता मेरा एक ही होता है, तो मुझे ये करना बहुत पसंद है और मुझे चाहिए होती है ठोस गुजार टू फंक्शन ऑल द डे, तो इसलिए मैं ये थोड़ा हैवी नाश्ता करती हूँ। जब मेरा कॉलेज वगैरह होता है तब कुछ भी मिल जाता चलता है। इसलिए तो अभी मैं ये करूंगी कि मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ। देखो अगर मैं रिकॉर्ड नहीं करती सारे दिन में 500 की 500 नमाजें, दैट डजंट मीन कि मैं नमाज नहीं पढ़ती, ठीक है। तो आप लोग भी नमाज पढ़ा करो, जितनी हो सके पढ़ा करो। इंसान 5 वक्त का नमाजी होता है ना, जो इंसान नमाजें पढ़ता है जितनी भी उससे हो सके, तो वो इंसान वो वाहिद होता है जो कभी भी नाकाम नहीं होता जिंदगी में। मुझे मामा ने एक मतलब बोला था, बेटा नमाज पढ़ने वाले का ना अल्लाह हमेशा साथ देता है। तो बस तब कोशिश करती हूँ कि मैं नमाजें पढ़ूँ, ठीक है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता ना, मैं कह रही हूँ कि आई एम द परफेक्शनिस्ट। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे के हम एक बेटर मुस्लिम हर रोज बने, आमीन। तो लेट्स गो एंड ऑफर प्रेयर। व्हाट्स कुकिंग, व्हाट आर यू कुकिंग? आलू चिकन, मसाले वाला, शोरबे वाला? नहीं मसाले वाला। पाकिस्तान में हर चीज में आलू डाल लो, इट्स अ ग्रेट डिश। आज तक हमारे सैलेड भी कट रहा है यहाँ पे। ये टमाटरों की पेस्ट और सारी जो है मिर्चे मसाले इसके अंदर जा चुके हैं, ठीक है। तेल छोड़ेगा तब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। देखो इतना तो मुझे सारी हांडियां देख देख के पता लग गया कि जब इसमें तेल छोड़ा तो इसके अंदर चिकन है। हाँ ये चिकन फ्राई किया, ये चिकन ऐसे फ्राई हुआ पहले। ये गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल हो रहा है, साथ हम इसमें डालेंगे धनिया, फ्रेश फ्रेश कोरिएंडर। ओह यस। आप लोग मेरे घर आओ, मैं आप लोगों को खिलाती हूँ अपनी मम्मी के हाथ का खाना। Alright, you guys, मेरे से एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपने अपने चैनल का नाम गर्लजिला क्यों रखा? आप मतलब कुछ और भी रख सकती थी, अपना नाम भी रख सकती थी, तो आपने गर्लजिला ही क्यों चुना?
तो यार इसका जवाब ये है कि पहले तो मैं अपने चैनल का नाम अपने नाम से नहीं रखना चाहती थी, उसकी भी एक रीजन है, वो मैं कुछ टाइम बाद बताऊंगी, ठीक है, तब ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, तो मैं ना जब मुझे पता लगा कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है तो मैंने फिर उसके लिए नाम सर्च करना शुरू किया। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि मुझे क्या नाम रखना चाहिए ना, तो उसने सर्च वगैरह की, उसने कहा गर्ल्जिला एक अच्छा नाम है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है गोडजिला मूवी, किसी ने देखी होगी, तो वो कितना पावरफुल होता है और गर्ल्जिला भी मतलब लड़की पावरफुल है, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा था। और मैं एक रीजन ये भी है क्योंकि मैं अब चाहती थी जो मेरा हो ना, मतलब जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग मेरे फैमिली में आते हैं, आप लोग मेरी फैमिली ही हो ना, तो उनको मैं कोई नाम दूं, तो मैंने गर्लजिला से ही जिलियन नाम निकाला। इफ यू आर सब्सक्राइब देन यू आर माई जिलियन, ठीक है, तो इसीलिए मैंने रखा था नाम, नहीं तो ऐसे मेरा कोई नहीं था कि यार मैंने ये रखना है, बहुत बड़ी रीजन है इसके पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। मैं एक बारी दस देता हूँ, बार बार नहीं पूछना, सही है। अब्दुल्ला ना मुझे कोई काम कहने के लिए आ रहा था और ना मैं यहाँ पे छुप गई हूँ। तो मैं छुप गई हूँ क्योंकि मेरे काम नहीं करना। खुद ही करो अपने काम। यार पूरे घर में ढूंढता मेरे, पहले किधर थी जब मैं इधर आया हूँ? या तो क्या कर गया? छुप रही थी। किसे? तुमसे। हमारी क्या निकल रही है? ये एक मेरी गंदी बहन, छोटा छोटा ये ऑन एयर देख रहे हैं, कैमरामैन कितना जुल्म कर रहे हैं, ये देखें, ये मेरे, ये देखें, ये देखें, जाओ मुझे हेल्प। आई हैव टॉर्च टॉर्च है हटा, वीडियो नहीं आ रहा। ये देखें गाइस, अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है ना, ये देखें कितनी लालची हो जाता है। क्या है ये? अरे इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू नॉट ईट फ्राइज इन अ डे, ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी बनाई है, लेकिन ठीक है, खानी थी मुझे, दिल कर रहा था, इट्स फाइन। आप खा के सांड बन जाओ, लेकिन आपको जो चीज खानी है वो आप खाओ, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग, आई होप यू गाइज लाइक इट। मैं आप लोगों को मिलती हूँ कल, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय पीपल, अल्लाह हाफिज़।